नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रही। आपने शायद दुनिया के नरक के दरवाजे के बारे में जरूर सुना होगा। दुनिया का एक दरवाजा है जिसे नरक का दरवाजा कहते हैं। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। ये नरक का दरवाजा तुर्कमेनिस्तान देश में है। दरअसल इस देश के काराकुम रेगिस्तान में दरवाजा नाम का एक गड्ढा है जिसमें बीते 5 दशक यानी 50 सालों से लगातार आग धधक रही है। इसे ही पूरी दुनिया में नरक के दरवाजे के नाम से जानते हैं। बता दें कि गड्ढा एक गैस क्रेटर है जो मीथेन गैस के चलते जल रहा है। जब अपने रहस्य के चलते ये जगह सैलानियों के लिए बड़ा आकर्षण है। कहा जाता है कि इस गड्ढे को इंसानी द्वारा ही बनाया गया है। असल में 70 के दशक की शुरुआत में जब तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था तब यहाँ प्राकृतिक गैस के बड़े बड़े भंडार का पता लगा। तब रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक कमजोरी से जूझ रहा देश। ऐसे में इसे खत्म करने में गैस के भंडार बहुत मददगार साबित हो गए थे। इसके लिए प्राकृतिक गैस निकलने की होड़ में साल 1971 में यह बड़ा विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के बाद वो गड्ढा बना जिसे आज डोर टू हेल के नाम से जानते हैं। हादसे में मीथेन गैस के फैलाव को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला। उन्होंने गड्ढे के सिरे पे आग लगा दी। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि आग गैस के खत्म होने के साथ ही बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज लगभग पूरे 50 साल बीत गए हैं लेकिन बावजूद इसकी आग वैसे ही धधक रही है। इसके पीछे का कारण समझने के लिए बहुत कोशिशें हुई मगर आज भी हो रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह कोई नहीं ढूंढ सका। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस गड्ढे में आग जल रही है वो 229 फीट चौड़ा है और इसकी गहराई तकरीबन 65 फीट लंबी है। इससे जलने पर निकलने वाली मीथेन और सल्फर की गंध काफी दूर तक फैली रहती है। ये इतनी भयानक है कि इसकी लपेटें कई मीटर की ऊंचाई तक उठती रहती है। साथ ही गड्ढे के भीतर खौलती हुई मिट्टी दिखती है। ये नरक का द्वार काराकुम रेगिस्तान में स्थित है। देश का लगभग 70% इलाका इसी रेगिस्तान के क्षेत्र में आता है। इतना ही नहीं, काराकुम दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से है जहाँ लगभग 10 सालों में एक आध बार कभी बारिश होती है।